ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਬੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਤਹਾਈ ਰੂਜ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 24-24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਲਾ ਲਵੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਉੱਥੋਂ ਰੇਟ ਘਟੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਰ ਘਟ ਜੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘਟੇ ਤੇਲ ਘਟੇ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਹਾ ਸਸਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕੋਲ ਮਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟੇ ਅਗੋਂ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੋਹਾ ਸੀ ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੋਹਾ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम आपको ले आए हैं जी एक नट फार्मर के पास, आपको बताएंगे नट किस तरह से बनते हैं, आप लोग अगर ये कारोबार करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। डस्का हमारा जो कि लोहे से बड़ा मशहूर है, तो डस्का का एक नट फार्मर भाई हमारे साथ मौजूद है, आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या जनाब कैसे हैं? ठीक, शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपना और अपने इस काम का तारुफ दिलवाएं, कब से कर रहे हैं? हम तकरीबन 25 साल से कर रहे हैं काम। अपना नाम पता बता। हम डस्का के हैं, सिविल चौक के, नाम मेरा मोहम्मद कैसर है। चलिए माशाल्लाह, मुगल बरादरी से तलक है अपना या किसी और बरादरी? बरादरी से। चलिए माशाल्लाह जी, मुगल डस्के के बड़े मशहूर मरूफ हैं। सर ये बताएं, आपने 18-19 साल तजर्बा इस काम का कहा, कैसा तजर्बा रहा है, कैसा काम है ये? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा काम है, काम तो बहुत ज़्यादा है, पर आजकल आपको पता है जो हुकूमत की मसरूफियात है, आज हर आदमी जो हर बंदे ही परेशान है। लोहे के काम में क्या देखते हैं, आने वाला वक़्त कैसा रहेगा? क्योंकि लोहे का काम जहां डस्के का बड़ा नाम था, लोग बड़े परेशान भी हैं। आपकी क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं मौजूदा हालात और आने वाले हालात? ये तो हुकूमत को देख रहे हैं, कभी गिरती है कभी आती है, तो इसलिए सब लोग परेशान है क्या होगा आगे जाके। अब सेल में मुश्किल आ रही है, ये चीज़ की लागत में ज़्यादा आ रहा खर्चा, क्या देखते हैं, सेल मुश्किल है या खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं? खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं, लागत ज़्यादा आ रही है लोहे पर। आप ये बताएं कि नट बोल्ट बनाने के लिए, नट बनाने के लिए कितनी मशीन दरकार चाहिए, हमें कितनी मशीन की जरूरत पड़ेगी? तकरीबन अभी आपने देखा ही है सब कुछ, तो इसमें लागत आ जाती है, एक नट फार्मर है तकरीबन 10 लाख का पड़ जाता है। अरूज की बात करें, पिछले दौर की बात करें, तो नट फार्मर का जो काम था किस तरह का था, कमाई कितनी थी मंथली? अगर एक मशीन बंदा लगाता है, जो आपकी मैंने देखी कि एक मशीन, अगर एक मशीन बंदा लगा लेता है तो कितने की वो मशीन लगती थी और कमाई कितनी थी अरूज पे? उस टाइम में लगती थी ये 3 लाख की मशीन, और कमाई मेरे ख्याल में 1-2-3 महीने में 3 लाख मिल जाता था। अभी की क्या सूरत हाल है, अगर आज एक बंदा ये मशीन लगा ले तो क्या हाल होगा उसका? उसको रोटी मिली जाए वो ही शुक्र अदा कर सकता है। मौजूदा वक्त अगर कोई बंदा आखे ना कि मैं एक सेट ला के ते अपना कारोबार चला लवा तो बहुत मुश्किल। नहीं, बनाना मुश्किल है या बेचना मुश्किल है? कि बनाना तो आसान है, लेकिन अगे जो फरोख्त करना, मार्केट में जाकर बेचना, वो मुश्किल है। चलिए बेहतरीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे फिजिबिलिटी बताएं कि अगर एक बंदा का वक्त अच्छा आ जाता है, वक्त अच्छा आ जाता है, अगर ये काम को बंदा करना चाहे एक मशीन से, 1-2-3-4 कितनी मशीन हैं, कितने प्रोसेस हैं नट फार्मिंग का काम करने की? वो 3-4 मशीनें हैं माशाल्लाह, काम तो बड़ा अच्छा है, पर मैं कहता हूँ वक्त अच्छा आ गया, एक बंदा काम करना चाहता है, उसे कौन कौन सी मशीन चाहिए होगी? उसको एक नट बनाने वाली चाहिए, फिर उसको चूड़ी डालने वाली एक मशीन होती है, एक उसको तेल निकालने वाली होगी, एक और मूस को वेल्ड करती है गर्म कर कर, एक वो चाहिए, एक पॉलिश वाली भी चाहिए, पॉलिश वाली भी चाहिए। अगर लगाना 5 मशीनें हो जाती हैं, ये 4-5 मशीनें वक्त अच्छा आ जाए तो कितने तक लग सकती हैं? तकरीबन 15 लाख तक लग सकती है। 15 लाख लगा के बंदा महाना को अंदाज़ा दे सकते हैं कितनी कमाई कर सकता है अच्छे वक्त में? अच्छा वक्त आ गया तो फिर माशाल्लाह इंशाल्लाह 1 लाख रुपया भी कमा लेगा वो। अच्छा, मार्केटिंग का क्या तरीका कार है, आप लोग सेल किस तरह करते हैं, मतलब खुद जाके कस्टमर ढूंढते हैं, लोग ढूंढते हैं? नहीं, हम खुद जाके कस्टमर ढूंढते हैं, कई तो कुछ यहाँ चल कर आ जाते हैं, तो कईयों के पास जाना पड़ता है, सैंपल लेके जाते, सैंपल लेके ऑर्डर मिल जाए जी, ऐसे ही बात है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया जी। अल्लाह पाक सब के हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह पाक बेहतर करे हमारे मुल्क के हालात भी, कारोबारी हालात भी, लेकिन देखा ये जा रहा है कि हर कारोबारी बंदा परेशान है, वो कहते हैं कि हमें चीज़
बचना मुश्किल नहीं, बल्कि हमारे जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।